Hi guys, welcome to Screen Guru. So here we are with the class 5 of English vocabulary series. और देखिए हम देखते देखते कहाँ तक आ गए. We have reached a milestone. ये milestone क्या like subscribers का नहीं है. This milestone is about the words we have learned, the idioms, phrases. In total, after this video, you will have 100 different words, 100 new words with you. जिसके आपको antonyms, synonyms, meanings पता होंगे. तो देखिए हमने सिर्फ 5 क्लासेस में 100 वर्ड्स कर लिए और इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे ताकि हमारी वोकैबुलरी डे बाय डे इंक्रीज होती रहे. ठीक है, चलिए. सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो विद अ पॉजिटिव लाइन. सो इट सेज इफ यू आर इन नो ग्रुप यू आर इन एवरी ग्रुप. फ्रेंड्स, ये जो कोट्स वगैरह होते हैं ना, वो दे आर फ्रॉम माई पेज, इवन गॉड विल रिमेंबर यू एंड आई पर्सनली राइट देम. सो इट माइट बी पॉसिबल दैट दे रिलेट टू सम अदर सीइंग और थोड़ा बहुत सिमिलर होगा, लेकिन मोस्टली ये मैंने खुद लिखे हुए होते हैं, मैंने किधर से कॉपी नहीं किया है. तो हो सकता है कि वो दूसरे ने भी कहा हो वगैरह, तो उसमें से कॉपीराइट वगैरह मत लगा देना. और ऐसा सोचना भी मत कि मतलब मैंने किसी से कॉपी करके लिख दिया मेरे पेज पे. ठीक है, दिस आर ऑल माय पर्सनल थिंग्स. और थोड़ा इसीलिए थोड़ा ज़रा अलग होता है, आपको लगता होगा कि यूनिक है कुछ. सो इसके बारे में बताऊँ मैं आपको, तो ये थॉट मेरा तब आया था, इफ़ यू आर इन नो ग्रुप यू आर इन एवरी ग्रुप. फ्रेंड्स, हमारे ग्रुप्स होते हैं फ्रेंड्स के, जैसे कि कोई हॉबीज़ का ग्रुप होता है कि अगर सबको ड्राइंग पसंद है तो ड्राइंग के दोस्तों के साथ हम बना ले, या फिर स्पोर्ट्स वाला ग्रुप होता है, या फिर एक एकेडमिक्स वाला ग्रुप होता है. तो अगर आप कोई भी ग्रुप में नहीं हो ना, इसका मतलब है कि यू हैव सम ऑफ द क्वालिटीज़ फ्रॉम एवरी ग्रुप. आप एकेडमिक्स में भी थोड़े अच्छे हो, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं कि भाई मतलब सिर्फ एकेडमिक्स पे ही ध्यान दो. अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो इतना भी नहीं कि बस स्पोर्ट्स से खुद को सराउंड कर लो. सो यू हैव अ वेरी ऑलराउंड पर्सनैलिटी. तो यू आर अ पार्ट ऑफ एवरी ग्रुप. इट मीन्स एवरी वन कैन टेक हेल्प फ्रॉम यू, यू कैन इंक्लूड इन एवरी वन. लाइक आप स्पेसिफिक ग्रुप को बिलोंग नहीं करते, आपको एक ऐसा ठप्पा नहीं दिया गया कि बस हाँ ये एकेडमिक्स में अच्छा है तो ये एकेडमिक के वालों के दोस्तों के साथ ग्रुप के साथ दिखेगा आपको. ठीक है, सो मेक श्योर यू हैव दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड व्हेन यू आर लुकिंग टुवर्ड्स योर सेल्फ. यू शुडंट कॉल योर सेल्फ लोनली, यू शुड कॉल योर सेल्फ दैट यू चूज योर फ्रेंड्स वाइसली. सो दिस कोर्स टेल्स यू अबाउट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज we will start with our words. Today we will get back to our meanings and synonyms. ठीक है, तो first word है हमारा frolicsome, very positive word. It means if I say that a particular personality is frolicsome, it means he she is playful or lively, cheerful. Cheerful और एक word हो सकता है. They enjoy their life. Lively मतलब क्या होता है, enjoy करना, हर एक moment को enjoy करना, मस्त मज़े से जियो. ठीक है, दैट इज फ्रोलिक्सम. फ्रोलिक्सम, ये फ्रोलिक्सम थोड़ा साउंड करते हैं फ्रॉग जैसा या फिर कुछ नेगेटिव ऐसे वियर्ड सॉन्ग साउंड करेगा, लेकिन दिस इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड. ओके, दैट मीन्स प्लेफुल और लाइवली. द सेकेंड इज स्टूपिफाइड. अभी स्टूपिफाइड आपको स्टूपिड लग सकता है, लेकिन स्टूपिफाइड इज अ प्रेज. या आपने ये डांस इंडिया डांस ये सब रियलिटी शोज होते हैं ना, उसमें जो जजेस वगैरह बोलते हैं उसमें आपने सुना होगा स्टूपिफाइड, दैट वॉज अ स्टूपिफाइंग परफॉर्मेंस. इट मीन्स मेकिंग समवन अनेबल टू थिंक, मतलब सोच नहीं सकते अभी क्या बोलूँ मैं, मतलब स्पीचलेस ऐसा. आउटस्टैंडिंग भाई, मतलब सोच नहीं सकते तारीफ में क्या बोलना है. तो वॉट विल से इज दैट इज स्टूपिफाइड. इसको स्टूपिड से रिलेट मत कर देना. ठीक है, स्टूपिफाइंग मतलब सोच नहीं सकते, दैट इज अ प्रेज. दिस इज पॉजिटिव वर्ड प्लस साइन. थर्ड इज astounding. Astounding means surprising. That was an astounding gift. It means that was a surprising gift. पता नहीं था कि मुझे सरप्राइज मिलने वाला है, तो ऐसा सरप्राइज हो गया एकदम गिफ्ट से. दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव वर्ड. फोर्थ इज डिबंक. सारा डिबंक द बिलीव्स. इट मीन्स शी एक्सपोज द फॉल्सनेस और हॉलोनेस. मतलब कोई एक पर्टिकुलर लोग थे कि मतलब एक गलत चीज़ में मानते थे वो लोग. सो ये सुपरस्टिशंस वगैरह होते हैं ना, वो काली बिल्ली वाला काले रंग वाला, तो वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ दैट. सारा डिबंक द सुपरस्टिशंस. इट मीन्स टू एक्सपोज फॉल्सनेस एंड हॉलोनेस. मतलब कितना झूठ है कितना गलत है वो सब समझाए रही. टू एक्सपोज करना क्या बोलेंगे उसको, डिबंक करना. सो देखिए पूरा सेंटेंस यूज करने के बजाय आप डिबंक यूज कर सकते हो. ओके, फिफ्थ वर्ड इज मॉडर्न्ट. मॉडर्न्ट मीन्स शार्प और क्रिटिकल क्वालिटी. दैट पर्सन इज मॉडर्न्ट, दैट हिज पर्सनैलिटी इज मॉडर्न्ट. इट मीन्स ही हैज अ वेरी शार्प पर्सनैलिटी. तो एक लोग रहते हैं ना, मतलब एकदम डिसिप्लिन्ड अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ, एकदम सही गलत सब पता होता है, एकदम मस्त, एकदम ऐसा नहीं कि मतलब इमेच्योर वगैरह. सो दैट इज मॉडर्न, हैविंग वेरी शार्प एंड क्रिटिकल क्वालिटी. सिक्स्थ इज मरूंड. मरूंड मीन्स
लिव बिहाइंड और अबेंडॉन्ड. हमने ये एग्जांपल ले सकते हैं आफ्टर द कारगिल वॉर द पाकिस्तान मरून देयर सोल्जर्स. जो भी हमारे इधर सोल्जर्स फंसे हुए थे जो मार्टियर हो गए, तो उनके लिए तो वो मार्टियर थे ना, तो वो लोग पाकिस्तान आर्मी ने वापस नहीं लिया, उन्होंने क्या किया, उनको मरून कर दिया. दैट इज़ दे लेफ्ट बिहाइंड और अबेंडॉन देम. ठीक है, सेवेंथ वुड बी लैमेंट. लैमेंट मीन्स एक्सप्रेस ग्रीफ वर्बली, कोई ऐसे मतलब आवाज़ वगैरह निकाल के. ग्रीफ मतलब दुख. ठीक है, ग्रीफ मतलब क्या होता है, सैडनेस. अगर आपको किसी बारे में दुख हो रहा है तो आप एक्सप्रेस करोगे वर्बली कुछ, मतलब बोलते हैं ना हम यार बुरा लगने के बाद किसी को कुछ, मतलब बुरा वाला नहीं बोलना है, एंग्री नहीं, सैडनेस मतलब कुछ दुखी मन मेरे जैसा बोलना है. तो वर्बली आप अगर एक्सप्रेस कर रहे हो सैडनेस को, तो उसे आप क्या कहोगे, लैमेंटेड. शी लैमेंटेड का मीनिंग ये होता है कि दे एक्सप्रेस्ड ग्रीफ वर्बली, शी एक्सप्रेस्ड ग्रीफ वर्बली. एट्थ वुड बी जागन. तो जागन आपने वर्ड्स बहुत बार सुना होगा. Rather than using jargon words, I try to explain all my videos in a very simple देसी भाषा में आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ मैं. ठीक है, तो मैंने अभी jargon words जो use किया ना, उसका मतलब ये होता है कि एकदम जो सबको पता नहीं होते ना words, जैसे कि आप अगर specific एक छोटी जगह region से belong करते हो, तो आपके region के भी एक specific words होते हैं, समझ रहे हो, तो वो सबको यूनिवर्सली पता नहीं होते. दैट आर वेरी डिफिकल्ट, दैट आर नोन बाय ओनली सर्टन काइंड ऑफ पीपल. अगर आप लॉ के साइड के हो, तो लॉ में भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो कि शॉर्ट फॉर्म्स होंगे, जो कि सिर्फ आपको ही पता होंगे, या फिर आपके जो पढ़ने वाले दोस्त वगैरह उनको ही पता होंगे. लेकिन बाकी जगह आप जाके ये जार्गन्स यूज करोगे, तो सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा. उसी तरह इंग्लिश में भी जार्गन्स होते हैं. इंग्लिश अगर इंडिया की इंग्लिश ले लो, यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश ले लो, ये यूके की इंग्लिश ले लो, सब जगह के अलग अलग पर्टिकुलर रीजन वाइज देर आर जार्गन्स, डिफरेंट वर्ड्स विच आर यूज्ड बाय दैट स्पेसिफिक कम्युनिटी और दैट स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, दैट आरंट यूनिवर्सल. ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे, जार्गन. जार्गन सब्जेक्ट वाइज, रीजन वाइज अलग अलग वर्ड्स होते हैं. देखिए, कैरेक्टरिस्टिक लैंग्वेज ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप, दैट ग्रुप कैन बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रीजन, दैट ग्रुप कैन बिलोंग टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दैट ग्रुप कैन बिलोंग टू अ पर्टिकुलर करियर और प्रोफेशन एक्सेट्रा. ठीक है, नाइन्थ इज ग्रम्बल. She grumbled. It means make complaining remark under one's breath. अब ये छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों को अगर पनिशमेंट वगैरह दे दो, अगर आप उनको कुछ सिखा रहे हो, if you are a teacher in a kid's school and if you give them a punishment, they will grumble. It means they will make complaining remarks. अरे ये टीचर अच्छी नहीं है, या फिर दूसरे पे नाम डालेंगे और एकदम धीमी आवाज़ में एक दूसरे से बात करेंगे ऐसे कानों का. अंडर वंस ब्रेथ मतलब एकदम धीरे से. ठीक है, दैट इज ग्रम्बल. टेंथ इज काउंटरफीट. काउंटरफीट आपने डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था ना, तब आपने ये वर्ड सुना होगा न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते होंगे तो. तो काउंटरफीट ऐसे वर्ड्स आए थे कि 2 lakh two lakh नोट्स, काउंटरफीट नोट्स वेर कॉट बाय द पुलिस इन दिस पर्टिकुलर रीजन, ऐसा ये आपने पढ़ा होगा सेंटेंस वगैरह. सो दिस इज काउंटरफीट मीन्स फ्रॉड और डिसीविंग. जो फेक नोट्स थे ना, इसको फेक भी बोल सकते हो आप, फेक फॉल्स भी बोल सकते हो. ठीक है, काउंटरफीट मींस फेक नोट्स, फॉल्स, फ्रॉड, जो भी डिसर्विंग. तो काउंटरफीट नोट्स का मतलब ये होता है कि जो फेक नोट्स. ठीक है, तो वो वर्ड्स आपने डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे बहुत सुने होंगे. बहुत न्यूज़ आ रहा था ना, 2 lakh पकड़े गए यहाँ, 2000 के काउंटरफीट नोट्स मिल गए जम्मू कश्मीर के बैंक में, ऐसे सब बहुत सारे न्यूज़ आ रहे थे. 11th इज अफर्म. अफर्म मीन्स टू असर्ट समथिंग इज वैलिड. द टीचर अफर्म द ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑब्जर्वेशन कोई साइंटिफिक जर्नल के लिए आप काम कर रहे हो और आपने ऑब्जर्वेशन बताया, तो टीचर अफर्म. अफर्म मतलब शी असर्टेड दैट थिंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ योर्स इज वैलिड, सही है, आप जो भी ऑब्जर्व कर रहे हो वो पर्टिकुलर टेस्ट में वो सही है. दैट इज अफर्मेशन. अफर्मेशन इज पॉजिटिव. काउंटरफीट इज वॉट, नीडलेस टू से, दैट इज नेगेटिव. 12th इज ब्रिस्क्यू. ब्रिस्क्यू मीन्स अब्रप्ट इन स्पीच और मैनर, एकदम छोटी स्पीच, थोड़ी कन्फ्यूज, अब्रप्ट. ठीक है, अब्रप्ट इज न्यूट्रल, द लिटिल बिट नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं होता वो. ठीक है, तो ब्रिस्क्यू का ये मीनिंग होता है, अब्रप्ट इन स्पीच मतलब शॉर्ट इन स्पीच और मैनर, वेरी शॉर्ट मतलब समझ नहीं आ रहा भाई ये क्या बोल के चले गए ऐसा, या फिर मैनर मतलब वो कन्फ्यूजिंग, आई कैन से हाँ कन्फ्यूजिंग मैनरिज्म. 13th इज पॉइग्नेंसी. तो पॉइग्नेंसी आपको ये पॉइजन जैसे लगेगा ना. पॉइजन इज वॉट, रिग्रेट इज नथिंग बट पॉइजन. अगर आप किसी चीज़ को रिग्रेट करते हो, लाइफ का डिसीजन को रिग्रेट करते हो, तो वो उधर ही छोड़ दीजिएगा, उसको आगे लेके ऐसे बढ़ना नहीं है पूरे लाइफ में जिंदगी. हाँ मैं ये करता तो, हाँ मैं ये करती तो,
ये सब लेके नहीं बैठना, तो वो रिग्रेट लेके नहीं बैठना. रिग्रेट इज वॉट? पॉइजन. सो पॉइजन इज वॉट? पॉइग्नेंसी. पॉइग्नेंसी मीन्स रिग्रेट और कीन सैडनेस. पॉइजन से आप रिग्रेट कर दोगे ना, आपको याद रह जाएगा. दिस इज नेगेटिव, फार नेगेटिव. ही इज पॉइग्नेंट, इट मीन्स ही इज रिग्रेटफुल, ही हैज टेकन सम रॉन्ग डिसीजंस. कॉन्ट्राइट. कॉन्ट्राइट ऑल्सो मीन्स रिग्रेटफुल, ठीक है. ही टुक अ कॉन्ट्राइट डिसीजन, इट मीन्स ही टुक अ रिग्रेटफुल डिसीजन, मतलब वो रिग्रेट करेगा ये डिसीजन के ऊपर. That is contrite. 15th, our last word of this video is perfidy. Perfidy means act of disloyalty or betrayal. ठीक है, तो आप ऐसे इसका sentence बना सकते हो, तो thief gave a perfidy. It means thief showed the act of disloyalty. Thief से और क्या ही उम्मीद रखेंगे चोरों से. So act of disloyalty or betrayal, धोखाधड़ी. ये चोरों चोरों में भी धोखाधड़ी दिखाते हैं वो दूसरे को, तो आप पैसे भी ले सकते हो इन दैट सेंस. ठीक है, परफिडी मतलब एक्ट ऑफ डिसलॉयल्टी. तो ये लास्ट वर्ड मैंने बताया हुआ, और अभी आप बताओगे पांच वर्ड्स, आपका होमवर्क. फर्स्ट इज इनोक्यूस. इनोक्यूस इज रिलेटेड टू ऑब्नोशियस. ठीक है, ये हमने वर्ड पढ़ा था आपको क्लास में, मैंने बताया था ये वर्ड. अगर नहीं आपको मिल रहा है, फिर नहीं बताया होगा, तो ढूंढ लीजिएगा. दिस इज रिलेटेड. अभी मैं वो नहीं बताऊंगा कि दिस इज द एंटोनिम और सिनोनिम और रिलेटेड इन अ वेरी डिफरेंट वे. बस आपको एक हिंट दे दिया, ऑब्नोशियस अगर आपको पता है तो इनोक्यूस पता होना चाहिए. ठीक है, सेकंड इज डीमर. डीमर देखिए अभी आप क्या उसका मीनिंग बताते हो. थर्ड इज डीबेस. डीबेस इज वेरी इजी वर्ड, आपको ये पता होना चाहिए. कॉमन वर्ड, आप यूज भी कर सकते हो. अनएनवीएबल, इसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव में थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो थोड़ा वो ध्यान रखिए, दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव. फिफ्थ इज फ्लिंच. फ्लिंच इज अ फॉर्म ऑफ एक्शन. ठीक है, एक्शन वर्ड, मतलब ये वर्ब के जैसा यूज कर सकते हो. तो उस पर आप मीनिंग, आपको मैंने हिंट इसका भी दे दिया. ठीक है, तो चलिए आपके फाइव वर्ड्स हो गए. सो दैट स्क्रीन गुरु फॉर यू. विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ वेरी न्यू टॉपिक विद डिफरेंट सब्जेक्ट. एंड थैंक यू. Have a great time ahead. That's Screen Guru for you.